गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनवर सोनू ब्लॉग। सो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और हम लोग निकल पड़े हैं मुंबई के लिए। मुंबई वी आर कमिंग। सो अभी चाय पी ली हम लोग ने, खाली नाश्ता देख लेंगे रास्ते में, सारी पैकिंग वगैरह करके हम लोग रात में जल्दी सो गए थे, जल्दी नहीं लेट सो गए थे। हाँ कल ही 1 बज गया हम लोग को सोने, बस सुबह 6 बजे उठे, ऑलमोस्ट सब हो गया, अब निकले हैं। सो पहुँचते हैं जल्दी, अभी तो पूरा रास्ता बाकी है। बताते हैं फिर आगे, आगे आपको बताते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। रोड्स देखो, रोड वर्क अभी भी चल ही रहा है, हाईवे को और बड़ा कर रहे हैं। वैसे भी रोड बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गए थे, तो पहले एकदम नैरो रोड थे, इतना ही था, वो भी कच्चा था जब आए थे। अभी अच्छा बना, बहुत चौड़ा बन रहा, सब जगह अच्छा रोड बना दिए, एकदम रोड बहुत अच्छा बना। काम चालू है, देखो 6 महीने में और हो जाएगा, अच्छा चौड़ा हो जाएगा। ये अपने लिए 8 किलो। क्या साइज है कलिंगर का देखो। एक्सप्रेस रोड जाने के लिए रोड देखो मुंबई। नहीं वो अंबोली घाट आएगा ना इसके बाद, तो ये रास्ता है बताओ जाने के लिए। हाँ गूगल वालों ने हम लोग को यही शॉर्टकट रास्ता बताया, तो यहाँ से गए, यहाँ से ही गए थे। बहुत शॉर्ट रास्ता है, बहुत शॉर्ट है और बहुत शॉर्टकट है, बट रोड भी तो खराब है ना। रोड बहुत खराब है, सब तो यहाँ से जा रही गाड़ी जा रहा है। कहाँ है रोड सामने? ए क्या है, वही बोलते रहता हूँ मैं, वाटरफॉल अंबोली, अंबोली वाटरफॉल, अंबोली घाट पे जो वाटरफॉल है वो है इधर, पानी तो है नहीं। और अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ नाश्ता करने, नाश्ता करने, और ये लोग तो सोए, जो गोवा से सोए हैं अभी उठ रहे लोग, सुबह 6 बजे उठे हैं ना वही। हाँ तो इतना लंबा रास्ता है, कवर भी तो करना है। साबुदाना वड़ा, कांदे का भजिया गरम गरम बना के लिए। ये बैठे हैं। अरमू कैसा खा रहा था? ऐसा था मंकी खाना खा रहा था, वो देख के आया, वही बता रहा है। मम्मी मैं उसको बुला रहे हैं। तो देखेंगे ना, पागल लेके चले जाएगा वो। नहीं देख रहा बोल के मैं ले रही हूँ, तुम कर कर का चाय पी रहे। देखो अनु एंजॉय कर रहे, व्यू का लुफ्त उठा रहे। मुंबई में थोड़ी देखने मिलता है वो तो है। आ गए आखिरकार यहाँ पे, इसको आना क्या रहता है इसके लिए ना, ये रोड से ले लेती है। ओल्ड रास्ता वैसे भी बहुत खराब है, हम लोग ओल्ड रास्ते से बाहर मार के एक्सप्रेस रोड से आ सकते हैं। अंबोली वाटरफॉल यहाँ बारिश में बहुत अच्छा रहता है, वाटरफॉल बहुत ज्यादा निकलते वाटर। बट ये अभी कम है थोड़ा, है ना कम है, नहीं तो बारिश तक तो यहाँ तक उड़ उड़ के आता है पानी एकदम। क्राउड हो जाता है ना यहाँ बारिश में, कि हम लोग आए थे एक बार बारिश में ही, मगर थोड़ा रिस्की रहता है, वो अच्छा है कि भोजन गिर के भी मरे। एंट्री बंद ही है क्योंकि काफी जन यहाँ मतलब स्लीप होके ऑफ हो चुके हैं।
बारिश के बाद भी आ सकते तो अच्छा दिख जाता है इसमें। फिलहाल तो है ही माशाल्लाह दिख रहा अच्छे से। हाँ अभी कितनी है? अभी नहीं है क्योंकि एंट्री बंद रखी है। ये देखो पीछे वाटरफॉल। और ये अरमान कितना काला हो गया। अरमान पानी में नहाना के कितना गोरा था मैं तो। यही पानी देखो यहाँ आ रहा है और यही भर के लेके जा रहे हैं। ऊपर से पाइप डाला है, वही झरने का ही पानी है। एकदम ठंडा और मीठा। और यहाँ जो है सारे स्टॉल्स वो पानी यही यूज करते। और अपन भी यही। हाँ ये उल्टा नेचुरल वाटर है। हाँ वो मिनरल्स वाटर है। वहाँ है वाटरफॉल और ऑपोजिट में ये व्यू है। देखो बैक साइड। अभी हम लोग क्रॉस करके यहाँ पे आए फोटो निकालने। ये देखो। तो आप लोग भी देखो। डर भी लग रहा है सोनू को। बच्चे लोग तो वो साइड है, कार वो साइड है। ये देखे दोनों मंगू चंगू मंगू। चलो चलो ये इतना ही रोड बचा है अभी। ये अम्बोली घाट उतरने के बाद का रास्ता है। थोड़ा सा है पूरा बन ही रहा है। बस हो जाएगा ब्रिज का काम चालू है। ऑलमोस्ट होने को है बस इतना है तो क्या पूरा रोड वन पीस में मस्त बन जाएगा। कहाँ से आ जाते हैं लोग कहाँ से पेरू तो जहाँ दिखा वहाँ खाना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी। इतना बड़ा बड़ा। हाँ ज्यादा महंगा भी नहीं 100 रुपए किलो है। अरे चलता है वहाँ खाने मिले बस हो गया। सब चले लड़की लोग। पूरी हिप्पी बन के घूम रही हूँ मैं अभी भी। उसने बोली थी जितना रख सकते उतना रखो तो मैं भी तो पूरा पैसा वसूल करूँ ना। हाँ हिप्पी है What a joke. तो कितना अच्छा मैंने वो खेतों में फोटो निकाली और शॉर्ट भी बनाई हूँ वो देखना आप। चलो अभी आ रहे हैं नेशनल हाईवे पे। ये पानी पूरा क्रॉस हो गया अब आ गए अपने एक्सप्रेस वे पे। नेशनल हाईवे 20 किलोमीटर। अन्नू को मैं सता रही हूँ और मेरे को भगा रहे हैं। अरे टर्न आया बड़ा टर्न मारेगा चपटी। देखिए कैसा मारेंगे बोल रहे मेरे को। चपटी भी बोले चपटी भी बोले लगते सता रही उधर बहुत प्रॉब्लम। नहीं उसको सुन दो वो तुमको सताएगा। उठते बराबर डेडी ये दिला वो दिला इसे वो जितना सो रहा है ना उतना अच्छा। ये सब देखो शुगर फैक्ट्री जाती है। शुगर फैक्ट्री से जाती है सब वहीं जाता है। जूस पीने रुके हैं और यहाँ गुड़ अच्छे दिख रहे वो भी देखते हैं। आंबा भड़म
भेल है वो, भेल है ना। हाँ देखो, और गुड़ भी अच्छा दिख रहा है, तो कम का शरबत है। देखती हूँ गुड़ लेती हाँ, और वहाँ जूस बन रहा है हमारे लिए। और हम लोग रुके हैं हाईवे पे, कौन सी जगह ये है, पेटना का गुड़ मैं हमेशा रखती हूँ घर में भर के। ये ले जाओ, चलो पियो, हाईवे पे मजा ले रहे। देखो मैडम, हम लोग अभी क्या ले रहे हैं, अनु क्या खा रहे, सातारा के फेमस कंदी पेड़ा। सबको अच्छा अच्छा दे रहे हम लोग, सब टेस्ट कर रहे हैं और एकदम फ्रेश अभी बन के आया है। थाल देखो पेड़े की खाली हो रही है, अब बहुत टेस्टी है, अभी ले रहे हम लोग। उधर जयंती बन रहा, चिकन हांडी और जवारी की भाकरी, बटर भरा, बटर लगी हुई एकदम, बचलक तंदूरी रोटी। और अभी मंगाई हूँ पिटला, मैं अभी ये तरफ उसका टेस्ट अच्छा लगता है ना, अन्नू और मैं खाएंगे, खाली बच्चे लोग तो नहीं खाएंगे। गांधी और सातारा के आगे है ना, अभी सातारा के आगे है, लंच कर रहे हैं, आओ आप सब खा लो। ये है पिटला, गरम गरम, ठंडी ठंडी। हाँ अन्नू देखो कैसे खा रहे, भाकरी चूर के उस पे ये सालन दाल खाने में, अन्नू को ऐसा सब खाना खाने बहुत अच्छा लगता है, फुल एंजॉय के साथ खाते हो ना, टेस्ट ले लेके। हाँ ये भी देखो वही खा रहा हूँ मैं तो, अभी तक बेसन ही खा रही हूँ, पिटला खा रही हूँ। शाम तक यहाँ बैठ के, हाँ ठीक है। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I. MashaAllah, जहाँ हम जा रहे हैं, ऐसा इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा आसमान देखने मिल रहा है। देखो मगरिब का टाइम, कल यही टाइम पे अपन बागा बीच पे बैठे थे ना, ऐसे ही दिख रहा था वहाँ पे। जहाँ भी जो चीजें थी वहाँ की स्पेशलिटी है तो क्यों नहीं लूँ मैं, टाइम कितना होता है ना भैया, ट्रैफिक कोई बात नहीं, अभी तो अपना बॉम्बे ही है, बॉम्बे ही जा रहे हैं, तो बॉम्बे ही तो ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, पता कैसे चलेगा बॉम्बे में आया कोई, अपनी मुंबई। चलो जब पहुँचते तब आपसे मिलते हैं।
यहाँ होता है गोवा का व्लॉग एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे खैर से पहुँच गए। अब इसके के आगे के व्लॉग आपको मुंबई के ही मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।